आगे बढ़ते हैं। पंजाब से आए पर्यटकों ने कहा कि शिमला का मौसम उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वह शिमला घूमने आते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब में गर्मी है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो यहां मौसम काफी सुहाना है। और वहीं मौसम विभाग की निदेशक सुरेंद्र ने कहा कि 3 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा भी होगी। तो पंजाब से आए पर्यटकों से खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने आप भी सुनिए। हम मौजूद है ऐतिहासिक रिज मैदान पर, जहाँ देखा जा रहा है जो पर्यटक भारी तादाद पर यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान समेत जो पर्यटक है रोजाना यहाँ पर पहुंचे हैं। 3 से 6 हजार वाहन रोजाना शिमला में प्रवेश हो रहे हैं। ऐसे में जो तापमान में गिरावट आई, वही मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 3 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होगी। ऐसे में जो पर्यटक लगातार हिमाचल प्रदेश घूमने आ रहे हैं, हमारे बीच कुछ पर्यटक है उनसे भी जाना चाहेंगे। जी सर, आप कहाँ से आए और कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है, काफ़ी डिशेज हमने यहाँ की ट्राई करी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अगर आप बात करें अपने इलाके और यहाँ की, तो कितना तापमान में अंतर है? सर यहाँ पर तापमान में गिरावट है, वहाँ पर गर्मी है, यहाँ पर मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश भी बहुत बढ़िया हो रही है, उसमें अंतर है सर, आई थिंक सो 10-12% अंतर है। अच्छा, और आप कहाँ से आए सर? हम मैं फतेहगढ़ जी, अन्य पर्यटकों से भी बातचीत करेंगे। सर आप कहाँ से आए और कैसा लग रहा है? मंडी के मंडीगढ़ फतेहगढ़ साहब से आए हैं जी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं घूमने। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, द मेन अट्रैक्शन इज जाकू टेम्पल, इज वेरी रिलीजियस टू द पीपल एंड पीपल स्पेशली विजिट हियर फॉर द जाकू टेम्पल एंड देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन विजिट फॉर द लाइक स्टेट म्यूजियम, आर्मी म्यूजियम एंड देयर इज ऑल्सो द फोर्ट पैलेस वेयर द महात्मा गांधी वास लिविंग इन दैट एरिया। सो आई से ऑल द पीपल लाइक यू स्पेशली विजिट हियर एंड सी द पीपल एंड टेस्ट द रिलीजियस फूड ओवर हियर लाइक। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहां पर नाम मात्र ही लोग आ रहे हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष आपदा अत्यधिक आई थी, 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। ऐसे में जो पर्यटक थे नाम मात्र रहे, लेकिन अब अगर हम सड़कों की बात करें, बीते दिन ही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान भी कहा था कि जो सड़कें हैं हिमाचल प्रदेश की सभी दुरुस्त हो चुकी है। जिस तरह हम नेशनल हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली समेत सभी नेशनल हाईवे अब दुरुस्त हो चुके हैं। मैं फिर सहयोगी से चाहूंगा कि ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीर दिखाई जाए, जहाँ पर जो भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक देखने को मिल रहे हैं, जो कि नाम मात्र ही पर्यटक ऐतिहासिक रिज मैदान में आते थे। पिछले वर्ष जो अत्यधिक जो आपदा आई थी, आपदा के बाद यहाँ पर जो अगर पर्यटकों की बात करें तो नाम मात्र ही आ रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ जो व्यवस्था है पूरी सुचारू रूप से हो चुकी है। कहा जा सकता है कि जो अब गाड़ी है वो पटरी पर आ चुकी है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।